हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड, ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड का पल्ला मैंने बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और देखिए अभी यहाँ पे है, ये जो कंधे के लिए जो मैंने 20 फंदा यहाँ पे रखी हूँ, और ये फंदा, और देखिए, और ये पीछे वाला पार्ट का इसमें मैं जॉइंट करूँगी। इससे पहले देखिए मैंने इसमें 4 बटन का होल बनाई हूँ, मैंने नहीं दिखाई थी तो मैं अभी दिखा रही हूँ। देखिए फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे बनाई थी, और सेकेंड वाला देखिए यहाँ पे, देखिए एक इस पे बनाई थी, तो 1 2 3 4 5 6 6 पे फिर बनाई हूँ। फिर देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, और फिर से ऐसा ही है। देखिए इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए एक साथ बटन का होल भी बना है। और यहाँ पे गला के लिए जो फंदा घटाना है, एक एक फंदा हर सीधी सिलाई में, और देखिए यहाँ पे एक साथ मुड्ढे के लिए भी मैं यहाँ पे घटाई किया, एक साथ ये सब करना है। एक साथ मुड्ढे के लिए घटेगा और एक ही लाइन पे, देखिए यहाँ पे गला के लिए घटाई होगा, और यहाँ पे ये जो लाइन है इस पे बटन का होल बनाना है। और देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं पीछे जो पल्ला है उसमें जॉइंट करके दिखाऊंगी। देखिए पीछे वाला पल्ला को ऐसे सीधी रखना है ऐसे, और जो जॉइंट करेंगे इसको उल्टा रखना है इस साइड। देखिए ये लेफ्ट साइड का पल्ला है, ये देखिए ऐसे। दोनों को ऐसे बराबर रखना है, देख लेना है कौन सा साइड का है ये। तो देखिए ये राइट, ये लेफ्ट साइड का है, और लेफ्ट साइड में मैं जॉइंट कर रही हूँ। देखिए इसको थोड़ा चेंज करना है, ये इस साइड से बनाऊंगी, इसलिए इसको खोलूंगी और इसको खोल के फिर इसको ऐसे नीडल को इसमें भरूंगी। इस साइड से बनाऊंगी, देखिए इसका एक फंदा और इसका एक फंदा लेना है। और उल्टा बुनना है, देखिए फिर देखिए नीचे वाला इस निडल से एक फंदा लूँगी, और इस निडल से एक फंदा लूँगी, दो फंदा एक साथ लेके दो उल्टा बुन लिया। बुनने के बाद देखिए पहला वाला फंदा को इसके ऊपर से ऐसे गिराना है ऐसे। फिर देखिए दो निडल से दो फंदा ले लेंगे और उल्टा बुनेंगे। बुनने के बाद एक फंदा जो मैं यहाँ पे था वो फंदा को इसके ऊपर से गिराना है। दो फंदों से देखिए, दो निडल से दो फंदा लेना है और उल्टा बुनना है। उसके बाद एक फंदा को, पिछले वाला फंदा को इसके ऊपर से गिराना है।
देखिए ये फंदा रहेगा एक फंदा, और इसमें मैं अभी बंद करूँगी इसको, नॉट लगाऊँगी। मेरा जोड़ना हो गया है, देखिए दिखा देते हैं कैसे जुड़ा है। देखिए ये देखिए एकदम सिलाई के जैसा कुछ एकदम अच्छा से जुड़ गया है दोनों साइड। और ये जो फंदा है देखिए पट्टी के, ये फंदा अभी बनाते जाना है, और ये पीछे का साइड में होगा। ये जो इसका लेंथ है इतना इसको बना लेना है, यहाँ तक इतना लंबा बनाना है। बनाने के बाद फिर इसको सुई के माध्यम से इसको सिलाई करना है। देखिए अभी राइट साइड का पल्ला मैं जॉइंट करूँगी पीछे वाला पल्ला के साथ, तो मेरा ऐसा पोजीशन में है नीडल, तो इसको अभी मैं इस साइड से बंद करते जाऊँगी यहाँ तक, और इसको अभी चेंज करना है। देखिए इसको मैं खोलूँगी, खोल के इसमें भरूंगी ऐसे। देखिए नीडल फंदे को नीडल में भर लिया, अब बंद करूंगी। देखिए देखिए इस नीडल से एक फंदा लेना है, और इस नीडल से एक एक फंदा लेके ऐसे। देखिए इस तरह से बंद हो गया है, देखिए ऐसा दिख, ऐसा लग रहा है दिखने में। अब मैं ये वाला पार्ट को बना के इसके बराबर बनाऊंगी, और यहाँ इसको बनाने के बाद इसको एक साथ बंद करूंगी। देखिए मैं इतना बना लिया इसके नाप से, बनाने के बाद देखिए ये दोनों को एक साथ बंद करूँगी ऐसे, और बाद में ये बंद करने के बाद और सुई से ये साइड जो है ऐसे सिलाई करूँगी। देखिए उल्टा साइड से बंद करना है, इसलिए देखिए ऐसे ऐसे कर लिया। ये देखिए अब इसका एक फंदा इस नीडल से एक फंदा, इस नीडल से एक फंदा लेके बंद करूँगी। जैसे मैं कंधा बंद किया था वैसे ही बंद करूँगी, दो उल्टा बुन, दो को देखिए दोनों नीडल से एक एक फंदा लेके उल्टा बुन लिया, और फिर से और एक बनाऊँगी उल्टा। बनाने के बाद एक फंदा को, पहले वाला फंदा को इसके ऊपर से ऐसे गिराऊँगी। फिर से देखिए एक फंदा, ये दो फंदा ले लिया दो नीडल से, और देखिए एक फंदा को उसके ऊपर से गिराया।
देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। अब ये सिलाई करना है। पहले दोनों पार्ट को बराबर में पकड़ूंगी, फिर ये देखिए फिर दोनों को बराबर पकड़ के किनारे किनारे सिलते जाऊंगी। देखिए मैंने पूरा सिलाई कर लिया है, और देखिए पीछे से कैसे दिख रहा है सामने से। ये देखिए इस ऊन को उस साइड में कर देना है। देखिए स्वेटर को सीधी रखना है, ऐसे सीधी साइड से फंदा लेना है। देखिए जो फर्स्ट वाला मैं बंद किया था, यहाँ से निरल को लेंगे और ऐसे करके फंदा ऐसे ले लेंगे। और ये देखिए यहाँ से भरेंगे फिर से और ऐसे करके ले लेंगे। दो फंदा हो गया, फिर देखिए ऐसे तीन फंदा। इसी तरह से मैं दोनों साइड में पीछे वाला और आगे वाला पल्ला और ये पीछे वाला पल्ला से मैं 120 फंदा ले लूँगी। देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे देखिए 120 फंदा यहाँ पे मैंने उठा लिया, और इस साइड में सामने का साइड जो पल्ला है उसमें 60 और पीछे का साइड में जो पल्ला है वो 120 फंदा। अब मैं ये फंदे को बॉर्डर बनाऊंगी, एक सीधा एक उल्टा। देखिए पहला वाला को मैं सीधा बुनूंगी, धागा सामने लेके एक उल्टा, फिर धागा नीचे करके एक सीधा, फिर धागा सामने लेके एक उल्टा, फिर धागा नीचे करके एक सीधा। ऐसे करके मैं 10 लाइन बनाऊंगी। 10 लाइन बनाने के बाद सारे फंदे को एक साथ एक ही लाइन में बंद करूंगी। इसी तरह से ये रो पूरा कंप्लीट करूंगी। देखिए फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर लिया है, अब मैं सेकंड लाइन बनाऊंगी, एक सीधा एक उल्टा। देखिए ये सीधा वाला फंदा है तो इसको सीधा बनाना है। मैं फर्स्ट वाला फंदा को नहीं बुनूंगी, ऐसे स्लिप करूंगी, और सेकेंड वाला फंदा मेरा देखिए उल्टा है तो इसको उल्टा बुनूंगी, फिर ये सीधा वाला फंदा को सीधा बुनूंगी, धागा अपने साइड लेके उल्टा, फिर से एक सीधा, धागा अपने साइड लेके उल्टा, सीधा उल्टा जो बॉर्डर होता है वो बुनना है। इसी तरह से मैं 10 लाइन मैं बुनूंगी सीधी उल्टी साइड से, यही एक ही बॉर्डर दूंगी, डिजाइन चेंज नहीं करूंगी।
पूरा 10 लाइन बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ। ये बंद करने का जो तरीका है देखिए, तीन मैं सिंपल बंद करूँगी, फिर दो को एक साथ बंद करूँगी, ये जो लाइन है पूरा ये सीधा लाइन बनाना है। एक मैंने बंद कर लिया, दो बंद कर लिया, ये तीन बंद कर लिया। तीन के बाद देखिए क्या करना है, दो फंदों को एक साथ बनाना है, एक साथ सीधा बुनना है दो फंदों को, और पिछले वाला फंदा को देखिए ऐसे इसके ऊपर से गिराना है। फिर से तीन फंदा मैं बुनूंगी सीधा, और एक एक करके ऐसे बंद करूंगी। एक फंदा बंद हो गया, फिर से एक फंदा सीधा बुन लिया, और देखिए पिछले वाला फंदा को इसके ऊपर से गिराया ऐसे, फिर से तीन फंदा मेरा यहाँ पे हो गया है बंद। अब दो फंदों को एक साथ बंद करूँगी, बंद कर लिया, और पिछले वाला फंदा को देखिए इसके ऊपर से गिराना है। इसी तरह से ये पूरी जो रो बनाना है ऐसे बंद करते जाना है। एक हो गया है, ये दो, और ये तीन, तीन बंद कर दिया। बंद करने के बाद देखिए दो एक दो, दो फंदों को एक साथ बुनूंगी, और पिछले वाला फंदा को इसके ऊपर से गिराना है। देखिए मैंने दोनों साइड में ये बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए अभी मैं सिलाई करूँगी इसको सिलने के लिए। देखिए क्या करना है, अकेले अगर आप अकेले सिलाई करना चाहते हैं तो, अगर कोई हेल्प करे तो ठीक है, लेकिन आप अकेले भी सिलाई कर सकते हैं। आपको ऐसे दोनों पार्ट को बराबर में रखना है। रखने के बाद देखिए ऐसे ऐसे मिलाते जाना है ऐसे। फिर मैं इस नीडल के सहारे इसको ऐसे सीधी रखूँगी, सिलने में थोड़ा सुविधा होगा मेरा। देखिए ऐसे मैंने ऐसे कर लिया सिलाई के लिए, सुविधा के लिए। देखिए दोनों पार्ट को ऐसे बराबर रखना है, सिलाई करूँगी। यहाँ पे बॉर्डर में ऐसे सिलाई करूँगी, यहाँ से मैं दूसरा सिलाई करूँगी। ये वाला सिलाई करूंगी। इसी तरह से मैं पूरा सिलते जाऊंगी। देखिए मैंने पूरा सिल के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मैंने ऐसे सिला है। और सारे जितने छोटे छोटा ऊन था सब अंदर अंदर देखिए भर दिया है, कुछ नहीं दिख रहा है अंदर, देखिए एक भी ऊन नहीं है, सब इसके अंदर जितना सारा ऊन था सब भर दिया है। देखिए मेरा स्वेटर ऐसा दिख रहा है। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना।